हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बनाऊंगा ब्लेंडिंग स्टंप, और वो भी घर पे। अगर आप एक आर्टिस्ट है एंड आप स्केचिंग करते हैं, तो फिर इस ब्लेंडिंग टूल्स का इम्पोर्टेंस कितना होता है वो आपको ज़रूर पता होगा। वैसे तो आप नॉर्मली लार्ज एरियाज को ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर या फिर कॉटन बड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल एरियाज को ब्लेंड करते समय आपको एक शार्प पॉइंट वाली चीज का जरूरत पड़ता है, जैसे कि ब्लेंडिंग स्टंप या फिर पेंट ब्रश और मेकअप ब्रश। मार्केट में तो आपको डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट साइज का ब्लेंडिंग स्टंप मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर पे ही दो तीन चीजों से मार्केट के ब्लेंडिंग स्टंप के जैसा ही एक ब्लेंडिंग स्टंप बना पाए, तो फिर क्यों बाहर से खरीदे। तो फिर चलिए एक आसान से तरीके से इस ब्लेंडिंग स्टंप को बना लिया जाए। ब्लेंडिंग स्टंप बनाने के लिए हमें चाहिए एक सॉफ्ट थिन पेज, इसीलिए मैं यहाँ पर 10 रुपए का एक कॉपी ले लिया है। पेज का जो थिकनेस होता है वो कॉपी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आप जितना हो सके कम प्राइस का एक कॉपी ले लेना। अब मैं कॉपी से इसका मिडिल पेज निकाल कर इसको एक कोने से पकड़ के अच्छे से रोल कर लूँगा। आपको इस रोलिंग को एकदम टाइट करके करना पड़ेगा, अगर ये टाइट नहीं होगा तो फिर ब्लेंडिंग स्टंप अच्छा नहीं बनेगा। पहली बारी में ये उतना टाइट नहीं बनेगा, तो तब आप इसको खोलकर दोबारा से इसको अच्छे से टाइट करके रोल कर लेना। अगर तब भी आपको लगे कि ये थोड़ा लूज है, तो फिर आप थर्ड टाइम में भी इसको कर सकते हैं। अब पेज के इस कॉर्नर को मैं सेलोटेप के मदद से अच्छे से चिपका दूंगा। अब इसको मिडिल पॉइंट से लेयर वाइज हमें काटना पड़ेगा, तो काटने से पहले इसके मिडिल पॉइंट पे भी हम एक सेलोटेप लगा लेंगे। अब एक ब्लेड की मदद से इसको हम राउंड करके थोड़ा सा काट लेंगे, फिर ये दोनों साइड्स को पकड़ के धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके मिडिल से इसको राउंड करके काटेंगे और फिर दोनों साइड्स को दूसरी तरफ खींचेंगे। ऐसे ही खींचने से इस रोल का जो अंदर का पेपर है वो धीरे धीरे बाहर निकल आएगा एंड एक पेन जैसा इंटरफेस बनकर रेडी हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ पेपर यहाँ पर रह जाए, तो फिर आप इसको ब्लेड की मदद से ऐसे काट कर साफ कर लेना। तो मेरा ब्लेंडिंग स्टंप बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा बना है। लेकिन याद रखना, ब्लेंडिंग करते समय आपको इसे थोड़ा एंगल करके पकड़ना पड़ेगा। अगर इसके पॉइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो फिर ये अंदर घुस जा सकता है, इसीलिए ध्यान से ब्लेंडिंग करना। तो अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करके एक ब्लेंडिंग स्टंप बनाते हैं, तो फिर एक ही बारी में आपका 2 ब्लेंडिंग स्टंप बनकर रेडी हो जाएगा एंड आपको सैंड पेपर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, तो फिर प्लीज एक लाइक एंड अगर आप नए हो तो फिर प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।